जैन बच्चों, भारतीय उद्योग पढ़ रहे हैं अपन। पाठ 19 इकाई 2 का, कक्षा 12 का पाठ चल रहा है अपना। और इसके अंतर्गत अपन ने लौह इस्पात उद्योग, एल्यूमिनियम उद्योग के वीडियो बना लिए हैं। आज अपन पढ़ेंगे सीमेंट उद्योग और सूती वस्त्र उद्योग। शुरुआत करते हैं सीमेंट उद्योग से। सीमेंट उद्योग क्या है? एक आधारभूत उद्योग है। जिस तरह से लौह इस्पात उद्योग आधारभूत उद्योग यानी सभी उद्योगों में जो कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है और सर्वाधिक जिसका उपयोग सुई से लेकर जैसे तलवार तक लोहे का उपयोग होता है, बिल्कुल उसी तरह से। और जैसे सीमेंट है, तो सीमेंट तो एक ऐसी चीज़ है जिसके बगैर हम निर्माण की कल्पना भी नहीं कर सकते वर्तमान में। सीमेंट के बिना हम किसी भी निर्माण की कल्पना नहीं कर सकते। हमारे घर हैं, बाजार हैं, बिल्डिंगें हैं, ऑफिसेज हैं, स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, सारी जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो किससे बनी हुई हैं? सीमेंट से बनी हुई हैं। इसलिए सीमेंट क्या है? एक बहुत ही बड़ा आधारभूत उद्योग है और भारत में भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है सीमेंट उद्योग। जिस तरह से लौह इस्पात उद्योग आर्थिक प्रगति का सूचक है, बिल्कुल उसी प्रकार से सीमेंट उद्योग भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्योग है, एक आधारभूत उद्योग है। सभी उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिस निर्माण के अलावा, जैसे सड़कें हैं, पुल हैं, बांध हैं, कारखाने हैं, हवाई अड्डे हैं, सभी किससे बनते हैं? सीमेंट से। और भारत में अगर अपन बात करें तो सबसे पहले जो सीमेंट बनाई गई वो 1904 में इसका प्रयास किया गया। किससे बनाई गई? समुद्री सीपियों से। इम्पॉर्टेंट है, आ सकता है कि भारत में सबसे पहला प्रयास सीमेंट बनाने का कौन से सन में किया गया? 1904 में। कहाँ किया गया? मद्रास में। भारत में सबसे पहला प्रयास सीमेंट बनाने का 1904 में किया गया, मद्रास में किया गया। और किससे बनाया? समुद्र में जो सीपियां होती हैं उससे बनाया गया। परंतु यह प्रयास असफल था। अगर पूछा जाए कि पहला सफल प्रयास तो 1912 में 13 में किया गया था तीन जगहों पे। और पूछा जाए कि सबसे पहला प्रयास जिसमें सफल असफल कुछ भी नहीं दे रखा हो, तब आपको क्या करना है? 1904 में मद्रास में किया गया था समुद्री सीपियों से, परंतु यह जो प्रयास था वो असफल रहा था। इसके बाद में सन 1912-13 में तीन जगहों पे प्रयास किया गया, कटनी मध्य प्रदेश में। और किस कंपनी द्वारा? खटाऊ कंपनी द्वारा। दूसरा जो था लाखेरी बूंदी, राजस्थान में जो है लाखेरी, बहुत अच्छी जगह है सीमेंट उत्पादन के लिए, लाखेरी बूंदी। और कंपनी कौन सी थी? क्लिक निक्सन कंपनी। ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा जाता है ये भी। क्लिक निक्सन कंपनी द्वारा भारत में कौन सी जगह पे सीमेंट का कारखाना लगाया गया था? वो थी जगह लाखेरी बूंदी, राजस्थान। और तीसरा जो था वो पोरबंदर गुजरात में लगाया गया कारखाना। किस कंपनी द्वारा? टाटा सन्स द्वारा। टाटा सन्स द्वारा पोरबंदर गुजरात में सीमेंट का कारखाना लगाया गया। तो ये तीनों कारखाने कब लगवाए गए? 1912-13 के सन में। और सीमेंट के लिए जो कच्चा माल चाहिए उसमें प्रमुख हैं चूना पत्थर, जिप्सम और कोयला। ये भी इम्पॉर्टेंट है, सीमेंट के लिए कच्चे माल के रूप में किन किन पदार्थों को प्रयुक्त किया जाता है? चूना पत्थर, जिप्सम और कोयले को। अब सीमेंट उद्योग की समस्याएं बिल्कुल वैसे जैसे अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो नॉर्मल जो समस्याएं हैं, निर्यात में वृद्धि नहीं हो सकती, बाजार से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है, बहुत अधिक पूंजी की लागत होती है, कच्चे माल की पूर्ति पूर्णता नहीं हो पाती, या स्थान की कमी होती है, स्थान नहीं मिल पाना, भूमि का महंगा होना, तो ये कुछ नॉर्मल सी चीज़ें हैं जो सभी उद्योगों के लिए समस्याएं पैदा करती हैं। बिल्कुल उसी प्रकार सीमेंट उद्योग की भी कुछ समस्याएं हैं कि भारी पूंजी की लागत होती है, बिजली कोयले की उपलब्धता सब जगह पर्याप्त नहीं हो पाती, पर्याप्त जल की कमी, जैसे राजस्थान है, गुजरात है, सूखी जगह है, वहाँ पे जल है वो पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता, माल डिब्बों की निरंतर कमी होती जा रही है, मालवाहक जो डिब्बे हैं उनकी निरंतर कमी है। तो इसके साथ में आप निर्यात का छोड़िए, आप इसमें लिख सकते हैं कि जैसे बाजारों से प्रतिस्पर्धा, उसमें विदेशी बाजार भी हैं, स्थानीय बाजार भी, सभी शामिल हैं। तो इस तरह से सीमेंट उद्योग की समस्याएं जो हैं वो बताई जा सकती हैं। एक या दो नंबर का आपके क्वेश्चन आ सकता है, तो आप इसमें अगर एक नंबर का आता तो दो पूछ लेंगे, चार पूछ लेंगे, इसी तरह से दो नंबर का आता तो चार समस्याएं हैं वो नॉर्मल पूछी जा सकती हैं, तो आप इसमें बता सकते हैं। अब सीमेंट उद्योग का लास्ट टॉपिक कि इसका वितरण यानी पूरे भारत में सीमेंट का उत्पादन कहाँ कहाँ होता है। तो जैसा कि मानचित्र से स्पष्ट हो रहा है कि पूरे भारत में ही सीमेंट उत्पादन होता है,
क्योंकि सीमेंट उत्पादन के जो मुख्य कच्चे माल के जो पदार्थ हैं वो है चूना पत्थर, जिप्सम और कोयला। तो कोयला तो फिर भी अपने को पता है कि ज़्यादातर पूर्वी भाग में है, परंतु जो चूना पत्थर है वो यहाँ, ये जो पेटी है जो राजस्थान गुजरात से लेकर और इधर उत्तर प्रदेश बिहार तक जा रही है, इस पूरी पेटी में चूना पत्थर है वो बहुतायत से मिलता है। और चूना पत्थर मिलने के कारण जहाँ चूना पत्थर मिल रहा है वहीं पे सीमेंट के कारखाने लगे हुए हैं। जैसे अपन राजस्थान में, ज़्यादा नहीं दूर तो नहीं, पर राजस्थान में तो अपन देख ही सकते हैं कि राजस्थान का ये वाला जो भाग है, जो पिंडवाड़ा है, उदयपुर, निम्बाहेड़ा, लाखेरी, चित्तौड़गढ़, यहाँ पर क्या है, सीमेंट के बहुत कारखाने हैं और सफ़ेद सीमेंट भी बनता है यहाँ पे। तो इस तरह से ये राजस्थान का पार्ट हो गया। अब गुजरात में अगर अपन देखें तो ये वाला जो पार्ट है, जो समुद्री इलाका है, समुद्र के पास वाला जो इलाका है, जिसमें द्वारका, पोरबंदर, सिक्का, वेरावल, भावनगर, वडोदरा आदि जो स्थान है वो सीमेंट उत्पादक स्थान है। फिर अपन नीचे चले महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में रत्नागिरी, कोल्हापुर आदि स्थान है। फिर कर्नाटक में ये बागलकोट, भद्रावती, बंगलुरु आदि। फिर केरल में भी कोटायम में सीमेंट उत्पादन होने लगा है। प्रमुखता से अगर अपन देखें तो राजस्थान, गुजरात और कर्नाटक है, और तमिलनाडु है। तमिलनाडु में डालमियापुरम, तुलुकापट्टी, मदुरई आदि स्थान है। ये इम्पॉर्टेंट है, इसमें डालमियापुरम आता है कई बार। एक चीज़ और बताऊंगी मैं आपको अभी, आगे देखना। फिर ये जो तेलंगाना है, तेलंगाना भी प्रमुख उत्पादक है सीमेंट का। आदिलाबाद है, हैदराबाद है, इधर आंध्र प्रदेश में अपन चलें तो विजयवाड़ा, कृष्णा आदि जो स्थान है वो प्रमुख सीमेंट उत्पादक स्थान है। फिर ये जो पार्ट है, ये वाला एमपी का पार्ट है, तो एमपी में जो जामुल क्षेत्र है वो प्रमुख सीमेंट उत्पादक क्षेत्र है। उसके अलावा मेहर, जबलपुर आदि भी प्रमुख हैं। और इधर जब अपन चलें झारखंड में, तो झारखंड में डालमिया नगर, ये देखो, ये चीज़ बताना चाह रही थी मैं आपको कि ये डालमियापुरम जो है वो तमिलनाडु में है, जबकि डालमिया नगर जो है वो झारखंड में है। तो झारखंड में डालमिया नगर और सिंदरी बहुत ही प्रमुख सीमेंट उत्पादक क्षेत्र हैं। तो और ऊपर अगर अपन देखें तो कश्मीर में ब्रुयान है, ये पंजाब में भूपेंद्र है, ये हरियाणा में चरखी दादरी है, और देहरादून ये उत्तराखंड में हो गया अपना। तो इस तरह से ये जो क्षेत्र हैं ये प्रमुख क्या हैं, सीमेंट उत्पादक क्षेत्र हैं। इनके अलावा भी जैसे केरल में कोटायम है, महाराष्ट्र में है, या उड़ीसा में जो हीराकुंड है, ये भी प्रमुख सीमेंट कारखाने इन जगहों पे भी लगने शुरू हो गए हैं। क्योंकि स्थापित, जो मैंने पहले बताया कि समस्याएं काफ़ी सारी हैं, उन समस्याओं का जहाँ पे समाधान मिल रहा है वहीं पे कारखाने जो हैं वो स्थापित हो रहे हैं। भले वो कच्चे माल से थोड़े दूर हैं, परंतु जैसे जल की उपलब्धता जहाँ पे अधिक है, तो जल अधिक है तो बिजली बहुत महंगी है, बिजली वहाँ पे सस्ती दरों में उपलब्ध हो जाएगी, इससे उद्योग को क्या होगा, थोड़ा फायदा होगा। और स्थान में जो भूमि है, उद्योग लगाने के लिए जो भूमि है वो भी थोड़ी कम कीमतों पे मिल जाए, तो ऐसी जगह पे भी कारखाने लगने शुरू हो गए हैं। क्योंकि सीमेंट जो है वो आधारभूत उद्योग है, और आधारभूत उद्योग है तो उस उद्योग की जो आवश्यकता है वो हमेशा ही बनी रहेगी, इसलिए इसके नए नए कारखाने हैं वो अलग अलग जगहों पर बनने शुरू हो गए हैं, लग भी चुके हैं और लग भी रहे हैं और आगे तक लगते रहेंगे। तो इस तरह से अपना टॉपिक है सीमेंट उद्योग कंप्लीट है। अब अपन पढ़ेंगे सूती वस्त्र उद्योग। चलिए अब बात करते हैं सूती वस्त्र उद्योग, जो कि अपन विश्व के अंतर्गत उसको पढ़ भी चुके हैं और अपन देख भी चुके हैं कि भारत का जो सूती वस्त्र उद्योग है वो काफ़ी प्राचीन समय से चला आ रहा है। जब लोग कपड़े को बारे में जानते ही नहीं थे, तब हमारे यहाँ बहुत उत्तम किस्म का रेशम और मलमल बनाया जाता था। विदेशों में जो लोग हमारे भारत से जो रेशम के या मलमल के कपड़े ले जाते थे, वो एक गर्व की बात समझते थे कि हम वहाँ के कपड़े पहन रहे हैं, वहाँ का रेशम पहन रहे हैं, वहाँ का मलमल पहन रहे हैं। मिस्र में जो ममीज़ हैं उनके ऊपर भी ये पाया गया है कि उनके ऊपर भी जो कपड़ा लपेटा गया है वो भारत का मलमल ही है। कई लोगों ने बहुत व्याख्या करी है मलमल के बारे में, कई लोग उसको लेके गए हैं, तो वो उनका यहाँ तक कहना है कि ये जो मलमल था भारत का वो इतना मुलायम था जिसको एक अंगूठी के अंदर से निकाला जा सकता है, इतना मुलायम कपड़ा था मलमल का। इस तरह से रेशम है, तो भारत का रेशम है वो भी विश्व में प्रसिद्ध था। और ये जो वस्त्र उद्योग था ये भारत में, और हथकरघों यानी हाथ से बनाए जाते थे रेशम और मलमल के वस्त्र जो हैं वो, उनको हाथ से बनाया जाता था। रेशम या मलमल है जो कि भारत में एक
कुटीर उद्योग के रूप में काम करता था। भारत में कुटीर उद्योग के रूप में वस्त्र उद्योग काम करता था, जिसके अंदर लोग है वो हाथों से कपड़े या सूत कातना या रेशम बनाना या मलमल बनाना है, ये सारा काम किससे करते थे? हाथ से, जिनको क्या कहा जाता था, हथकरघे। क्या कहते थे उनको? हथकरघे। तो 18वीं शताब्दी से पहले तक ये काम बहुत ही अच्छे से चलता था, लोगों को रोजगार का साधन मिला हुआ था और काफ़ी विश्व प्रसिद्ध था ये हमारा सूती वस्त्र उद्योग, जो कि लोग हाथ से चला रहे थे उसको। परंतु 18वीं शताब्दी में जब यूरोप में औद्योगिक क्रांति हुई, विश्व में औद्योगिक क्रांति हुई, मशीनों का निर्माण हो गया, तब भारत में क्या हुआ, ये सूती वस्त्र उद्योग, ये जो कुटीर उद्योग है या लोगों के रोजगार का जो साधन है, वो बिल्कुल ठप हो गया। क्योंकि लोगों के जो हाथ हैं उनकी जगह किसने ले ली? मशीनों ने ले ली। यानी जो काम लोग हाथ से कर रहे हैं वो मशीनें कर रही हैं। तो इसके बाद में इस उद्योग को काफ़ी हानि उठानी पड़ी। फिर आज़ादी मिली भारत को। आज़ादी मिलने के बाद में भारत जब आत्मनिर्भर होने लगा, तब इस उद्योग को फिर से नई आशाएँ मिली, नई संभावनाएँ मिली और ये उद्योग है वो वर्तमान स्थिति में पहुंच गया। सन 1818 में पहली मिल जो है देश में स्थापित की गई थी मुंबई में, मुंबई महाराष्ट्र में देश की सबसे पहली वस्त्र मिल स्थापित की गई थी। पूछा जा सकता है ये इम्पॉर्टेंट है, वो कहाँ स्थापित की गई थी? मुंबई में। किसके द्वारा? कावस जी डाबर द्वारा। किस सन में? 1818 में। याद रखना आपको, आधुनिक वस्त्र उद्योग की जो आधुनिक मिल जो लगाई गई थी वस्त्र उद्योग की, वो 1818 में लगाई गई थी। किसके द्वारा? कावस जी डाबर के द्वारा। कहाँ स्थापित की गई थी? मुंबई में, भारत में पहली मिल, सूती वस्त्र मिल। इस उद्योग का वितरण अगर अपन देखें तो पूरे भारत में ही हो रहा है इसका उत्पादन। कई राज्य ऐसे हैं जो कपास उत्पादक राज्य नहीं है, फिर भी वहाँ सूती वस्त्र उद्योग काफ़ी अच्छा पनप रहा है। क्योंकि वही चीज़ जो पहले मैंने बताई थी कि बिजली और पानी की जो उपलब्धता है वो बहुत आसानी से हो जाती है। ये जो उद्योग है इसमें श्रमिकों की बहुत अधिक आवश्यकता होती है, तो कई जगह श्रमिक हैं जो महंगे मिल रहे हैं, वहाँ पर ये उद्योग इतना नहीं पनप रहा। बजाय जहाँ पर श्रमिक उपलब्धता काफ़ी सस्ती दर पर और बहुत अधिक है, वहाँ पर ये उद्योग काफ़ी अच्छा पनप रहा है। उसके बाद इसके लिए समुद्री समीर युक्त नम और आर्द्र जलवायु चाहिए। क्वेश्चन आया हुआ है कि सूती वस्त्र उद्योग के लिए कैसी जलवायु की आवश्यकता है? नम और आर्द्र समुद्री समीर युक्त। तभी आप देख सकते हो कि जो समुद्री इलाका है इसमें इसकी ज़्यादातर मिलें स्थापित हैं सूती वस्त्र उद्योग की। बाकी अगर अपन राज्यों में देखें तो राजस्थान है, पंजाब है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना है, एमपी है, यूपी है और पश्चिम बंगाल आदि सभी राज्यों में क्या है, यहाँ पे उत्पादन हो रहा है। आप देख सकते हैं पूर्वी राज्यों में इसका उत्पादन थोड़ा कम है, इसलिए पश्चिम बंगाल में जो मिलें हैं वो काफ़ी कारगर हैं। क्योंकि यहाँ पे उद्योग नहीं है इसके और ये यहाँ पे इसको निर्यात करता है, तो ये यहाँ पे कोलकाता में ये उद्योग है वो काफ़ी प्रचलित है। मुंबई में क्या हुआ, मुंबई में वर्तमान में ये उद्योग थोड़ा कम उन्नति कर पाया है, क्योंकि यहाँ पे जो भूमि है उद्योग लगाने के लिए वो काफ़ी महंगी हो गई है, श्रमिक नहीं मिलते, मिलते हैं तो काफ़ी उच्च दर पे मिलते हैं। तो ये बजाय इसके और तमिलनाडु में काफ़ी अच्छा चल रहा है। तमिलनाडु में इसकी वजह यही है कि बिजली पानी सस्ते मिल रहे हैं, श्रमिक सस्ते मिल रहे हैं, इस कारण से यहाँ पे ये उद्योग है वो काफ़ी उन्नति कर गया है। अब इसके प्रमुख अगर अपन देखें तो महाराष्ट्र जो है वो प्रथम स्थान पे है, यहाँ पे सर्वाधिक मिले हैं। और उसके बाद में जो दूसरा स्थान है वो है गुजरात का। गुजरात में अहमदाबाद जो है वो प्रमुख सूती वस्त्र उत्पादक राज्य है, जिसको पूर्व का बोस्टन कहते हैं। अहमदाबाद को पूर्व का बोस्टन कहते हैं, याद रखिएगा इसको कि पूर्व का बोस्टन किसे कहते हैं? अहमदाबाद को। कहाँ स्थित है? गुजरात में। तो ये और उसके बाद में राजस्थान में अगर अपन देखें तो पाली, ब्यावर, भीलवाड़ा जो है, भीलवाड़ा को भी क्या कहते हैं? उत्तरी भारत का मैनचेस्टर। ये विदेशी शहर है जहाँ पे कपड़े हैं वो खूब बहुतायत से, कपड़ों का जो उद्योग है वो बहुत अच्छी स्थिति में बहुतायत से कपड़े बनाए जाते हैं, इसलिए अपन अपने जो क्षेत्र हैं जहाँ पे कपड़े अधिक उत्पादन है या सूती वस्त्र है वो काफ़ी उन्नति कर रहा है, तो इनको इनके नाम दिए गए हैं पश्चिमी जो क्षेत्र हैं उनके। तो अहमदाबाद को कहते हैं पूर्व का बोस्टन और भीलवाड़ा को कहते हैं उत्तरी भारत का मैनचेस्टर। उसके बाद में ये अपन चलें यूपी में तो आगरा है, लखनऊ है, कानपुर है, वाराणसी है और बिहार में पटना है,
इधर पश्चिम बंगाल में चलें तो कोलकाता, हुगली, हावड़ा है, ये बीच में एमपी है, एमपी में उज्जैन है, इंदौर है आदि स्थान है। फिर ये महाराष्ट्र में अपन देखें तो खूब सारे जगह हैं, मुंबई, पुणे, कोल्हापुर, हुबली, सोलापुर, नागपुर, वर्धा आदि खूब सारी जगह हैं। ये जगह आई भी हैं इस बार भारत के मानचित्र में, आई थी, जैसे उज्जैन है, वाराणसी है, नागपुर है, नागपुर है, ये जगह इस बार 12वीं क्लास के जो भारत का मानचित्र है उसमें पूछी गई थी। और इधर तमिलनाडु में अगर अपन देखें तो तमिलनाडु में जो कोयम्बटूर है वो सर्वाधिक उत्पादक क्षेत्र है तमिलनाडु का सूती वस्त्र का, और इसके अलावा चेन्नई, सलेम, तंजावुर, मदुरई आदि प्रमुख क्षेत्र हैं। केरल में कोच्चि, तिरुवनंतपुरम, कर्नाटक में बेंगलुरु, मैसूर, तो ये जो जगह हैं ये प्रमुख सूती वस्त्र उद्योग के लिए उत्पादक जगह हैं। पंजाब में धारीवाल, अमृतसर, अबोहर, लुधियाना आदि स्थान प्रमुख हैं। तो इस तरह से अपन ने सीमेंट उद्योग और सूती वस्त्र उद्योग पढ़ लिया, सूती वस्त्र उद्योग पहले भी अपन ने पढ़ लिया। तो मेन इसका क्या है कि आप इसके मानचित्रों को, उद्योग में मानचित्रों को आप अच्छे से पढ़िए, अगर आपके मानचित्र क्लियर हैं तो आप उसमें से देख के थ्योरी आराम से लिख सकते हो। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट के थ्रू मुझे बताइए, वीडियो अगर पसंद आया तो भी कमेंट कीजिए, चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।